श्री गुरु महाराज की जय। मेरे हृदय से महाराज मेरे इष्टदेव श्री स्वामी जी महाराज जी मंचा सिंह संत मंगल और श्री महाराज जी के चरणों के सभी अनुरागी मेरे भाई और बहन, आपके समक्ष आप सबको नमन है। पहले तो मैं आज जो श्री महाराज जी के बच्चे साधु बने हैं उनको हृदय से खुशी से मुबारक देती हूँ। और आज जो महाराज का नजारा देखा तो ऐसा लगता था कि सांसें जो हैं वो थम सी गई है, जिसका इंतजार होता है कि चंद मिनटों के लिए जैसे सब कुछ भूल गया। और आज शिवरात्रि महापर्व श्री महाराज जी के चरणों में सालाना मनाने का मौका मिलता है, जिसको एक ज्ञान की रात्रि कहा गया है, साधना की रात्रि कहा गया है, आराधना की रात्रि कहा गया है। क्योंकि आज की जो रात्रि है स्वयं से मिलने की रात्रि है, किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से मिलने की रात्रि है। लेकिन अपने आप से वही आत्मा मिल सकती है जिसके जीवन में गुरु कृपा बरसती है, वो स्वयं से मिल सकता है। अगर स्वयं से ना मिल सके तो फिर जिंदगी का आनंद नहीं रहता। कई बार भाई और बहनें जो शिकायत करती रहती हैं, कितने साल हो गए हमको इस मार्ग पर लगे हुए, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला कि हमारे भीतर कौन सी शक्ति रहती है। गाड़ी में भी बैठते हैं ना तो यही चलाने वाले से कहा जाता है अपनी स्पीड को थोड़ा कम करो,
मेरे को बात याद भी आ गई कि एक बार हम यहाँ पर आए हुए थे तो बिजनौर भंडारे पर जाना था और देवानंद जी हमारे साथ थे, गाड़ी में गाड़ी चला रहे थे। क्योंकि मेरी आदत है मैं तेज गाड़ी भी चलवाती। बीच में श्री स्वामी जी महाराज जी की बात याद आ गई कि जब हम श्री स्वामी जी महाराज जी के साथ गाड़ी में बैठकर जाते थे ना तो केवल 60 की स्पीड पर गाड़ी चलती थी, इससे बढ़ती नहीं थी। तो महाराज जी मेरे को संबोधित करके बोलते, भाजी देखो लगता है ना ऐसे जैसे हम रिक्शा में जा रहे हैं, गाड़ी में नहीं जा रहे, रिक्शा में जा रहे हैं। वो हमें हिदायत देते थे, जब भी ट्रक के पास से गुजरो जब तक वो रास्ता ना दे ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो फिर देवानंद जी ने क्या किया, जहां पर वो मीटर लगा स्पीड का वहां पर एक टावल रख लिया कि बाजी को दिखाई ना दे। मैंने कहा ये क्या कहा, इस टावल को हटाओ, मैंने देखनी है कितनी स्पीड पर आप चल रहे हो। तो ये हमारे मन की जो स्पीड है इतनी तीव्र है पता नहीं चलता। आप यहां बैठे हो आपके मन पता नहीं कहां कहां भाग भाग कर फिर लौट कर बीच में आ जाता है, आता या नहीं आता, बैठे तो यहां है। लेकिन स्वयं आप अपने मन को जानते हो कि इस वक्त मेरा मन जो है वाकया ही हकीकत में श्री स्वामी जी महाराज जी के प्रेम में चरणों में जुड़ा हुआ है या इधर उधर जा रहा है, ये तो आप जानो ना। स्वयं से कैसे मिल पाओगे यदि मन की स्पीड इतनी तेज है वो चैन नहीं लेने देते किसी को। गाड़ी की स्पीड हो तेज उसको ब्रेक लग जाती है, साइकिल की स्पीड तेज हो तो ब्रेक लग जाती है। लेकिन कभी सोचा है मन की स्पीड इतनी तेज है इतनी तीव्र है वो चैन ही नहीं लेने देती। फिर हम लोग बोलते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, हमें तो अनुभूति नहीं हुई। श्री स्वामी जी महाराज जी ने आपको ब्रेक लगाने का वो मंत्र बता दिया, इस मन को ब्रेक कैसे लगाने का। अगर वो ब्रेक जो लगाने का तरीका है वो भूल जाए तो मन तो हर कभी भी चैन नहीं लेने देती, ये हकीकत है। महात्मा बुद्ध से किसी ने सवाल किया, महाराज जी आप इस लाइन पे लगे हुए हो हैं, आपने अपनी जिंदगी में क्या पाया। शिष्यों ने सवाल किया क्या पाया, तो महात्मा बुद्ध जी कहने लगे पाया तो मेरे को पता नहीं, खोया बहुत कुछ है, पाए का मेरे को पता नहीं। मैंने क्या पाया, खोया बहुत कुछ है। क्या खोया, कहते जितना मेरे भीतर कचरा था सब निकल गया, अहम का कचरा निकल गया, तकब्बर का कचरा निकल गया, अब मेरे हृदय जो है वो शून्य हो गया। जब हृदय इतना शून्य हो जाता है पारदर्शी हो जाता है तो उसकी अनुभूति उसका प्रतिबिंब अपने आप ही हृदय में आकर्षित हो जाता है।
श्री महाराज जी ने हमें जो ब्रेक लगाने का गुरु मंत्र दिया है, सुबह शाम जब भी वक्त मिले चंद मिनट एकांत में बैठकर देखा करो, विचारा करो। इस वक्त मेरे मन की स्थिति क्या है? क्योंकि मन के दो छोर चलते हैं, एक और संसार है, एक और करतार है। चाहे संसार की ओर चले जाओ, चाहे करतार की ओर चले जाओ, लेकिन ब्रेक जरूर लगाया करो। जब भी देखो कि मन में संकल्पों विकल्पों, क्योंकि मन का अर्थ ही यही है, संकल्प विकल्प की पुंज को मन कहते हैं। जब भी देखो हमारा मन जो है हमें दुखी कर रहा है, इतनी इसकी स्पीड तेज हो रही है, कहीं जाकर एक्सीडेंट ना कर दे, कहीं जाकर किसी का दिल ना दुखा दे, तेरे से किसी को तकलीफ ना हो जाए, यही एक्सीडेंट है ना। फिर उसको उसकी स्पीड को रोको थोड़ी देर के लिए, शून्य में चले जाओ। क्योंकि हमारा श्री महाराज जी का जो सिद्धांत है, जो मूल है, वो गुरु मंत्र ही है। एक फकीर सत्संग कर रहे थे, हर पल हर क्षण अपने शिष्यों को गुरु मंत्र की महिमा, शब्द की महिमा बताया करते। एक शख्स वो भी सत्संग में आया करता, कहता रोज पता नहीं क्या इनको हो गया, जब सुनो मंत्र का जाप करो, शब्द का जाप करो, पता नहीं कितनी बार जाप ये लोग करवाते हैं। वो बीच में खड़ा होकर बोलना शुरू कर दिया, आप लोगों को कुछ और भी आता है या नहीं आता? जब भी आपके पास आते हैं यही बोलते हैं कि शब्द का जाप करो, गुरु मंत्र पढ़ो, बस और भी कुछ आता है कि नहीं आता? वो फकीर साहब थोड़ी देर के लिए शांत रहे, चुप रहे, कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, मैंने तो सोचा था तू मूर्ख है, तू इतना कमीना, इतना बेवकूफ, तेरे को पता ही नहीं है भी आप ही तो जप करते हो, जप जप करो, अजप्पा जप हो जाएगा, उसकी अनुभूति होएगी, हम तो रोज जपते हैं, हमें तो हमारे पर कोई असर ही नहीं है। जब उन्होंने कमीना बोला, गाली निकाली, वो शख्स फिर गुस्से में आकर खड़ा हो गया, बने तो फकीर बनते हो, आप लोगों को शब्द अप शब्द का पता नहीं चलता। बोला, मैंने पत्थर नहीं तेरे को मारा, मेरे अप शब्द बोलने से आपको गुस्सा तो आ गया ना। जब गाली में अप शब्द में इतनी ताकत है कि दूसरे इंसान को गुस्सा दिलाता है, उसका असर होता है, या गुरु मंत्र में असर नहीं होगा? मैं इसीलिए गाली निकाली कि तेरे को एहसास हो जाए कि शब्द में क्या फर्क है। यदि गाली निकालने से इंसान के भीतर गुस्सा आता है, तो वो जो जाप है, वो शब्द है, उसका असर नहीं होगा, उसका भी होगा, लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं, यही कमी है।
मन जो है संसार में इतना बिखर चुका है, इतना बिखर चुका है, तो जब गुरु कृपा से तेरे को ब्रेक लगानी आ जाएगी तो तेरा मन निखर जाएगा। जिस दिन तेरा मन निखर जाएगा उस दिन से तू स्वयं से मिल जाएगा। स्वयं से मिलने का मतलब तेरे भीतर उसकी उपस्थिति है, शिव तत्व तेरे भीतर ही है। और गुरु कृपा से जब उसके साथ मिलाप हो जाएगा, यही महाशिवरात्रि का पर्व जो है तेरे जीवन में सार्थक हो जाएगा, यही तेरी जिंदगी की पूजा होगी। तो देखिए श्री महाराज जी की हम सब जीवों पर बहुत कृपा है, हमें ऐसा शाही दरबार मिला, ऐसे महापुरुष मिले जिनके संग में रहकर हम अपने हृदय में प्रकाश लाकर अपनी जीवन की यात्रा को अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लेकर जाते हैं। और जिस दिन हमें भीतर अपने आप से मिलने का तरीका आ गया तो समझ लीजिए हमारी तो हर रोज पूजा होती है, दम दम में पूजा होती है। तो हमें वो श्री महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त है। बोल साचे दरबार की।